दिखता है, सच की चोंच नोकीली है, सच इसलिए ताना रहता है, झूठ की तह खोखली है, फर्क करती नहीं तिनका, सब बराबर तोलती है, हो जितने मुंह उतनी बातें, कि सुर्खियां सच बोलती है, सच कहे, सच सुने, सच देखे, इंडियन आईज 24 न्यूज। मैं पंडित पंकज जोशी धोई, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ भारत से हूँ। मैं आपके समक्ष आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में इसलिए इकट्ठा हुआ हूँ कि एक पिक्चर अभी 28 जून 2019 को रिलीज़ हो रहा है, आर्टिकल 15। एक्चुअली हमको प्रॉब्लम इससे है कि ये पिक्चर बदायूं में, यूपी में जो बदायूं एक जगह है, वहाँ एक रेप केस और मर्डर कांड हुआ था, उसके बेस पे पिक्चर ये बनाया हुआ है। अनुभव सिन्हा ने, निर्माता भी अनुभव सिन्हा ही है, और जी न्यूज़ का कुछ इसमें, जी टी वी का कुछ है कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हमको आपत्ति है कि जिन लोगों ने ये कांड किया या जिन लोगों के साथ ये कांड हुआ, वो एक ही कम्युनिटी के ओबीसी, और ब्राह्मणों को उसमें जो ओरिजिनल मुलजिम है उनको हटा के ब्राह्मणों का उसमें दिखा रहा है। तो हमारा बिल्कुल ही बेइज्जती किया जा रहा है कि हम बलात्कारी हैं, और उस ब्राह्मणों में भी हमारी कम्युनिटी जो पूजा पाठ करती है, महंत है मंदिर के, उनके बच्चों को वो दिखाया जा रहा है। तो अगर आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करनी है तो आपको ओरिजिनल जो जिस जाति के जो रेपिस्ट हैं या जो मर्डरर, आप उनके नाम से दिखाइए। हम ब्राह्मणों को क्यों आप बदनाम करते हैं? और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अब हिंदुस्तान में सिनेमा एक सशक्त माध्यम है, मीडिया के बाद में जो सिल्वर स्क्रीन पर दिखाते हैं वो दिमाग में छप जाता है। तो ये प्लास्टिक को अपन जमीन में गाड़ेंगे, 1000 साल उसको गले में लगेगा। तो वैमनस्यता आपसी जातियों की, हिंदू जातियों में जो वैमनस्यता घोली जा रही है। दूसरा एक मुख्य मुद्दा मैं आपको बताऊं कि जो पीड़ित जो है उनको इस पिक्चर में दलित दिखाया गया है, जबकि वो जिनके साथ कांड हुआ वो सेम कैटेगरी में आपको बता चुका हूँ, वो ओबीसी के हैं, दलित वो नहीं है। वहाँ उनको दलित दिखा के, डिग्रेड करके दलित दिखा दिया ओबीसी को, और यहाँ ओबीसी को जो मुलजिम है उसको अपग्रेड करके जनरल दिखा दिया। इन जातियों का जो हिंदू में वैमनस्य से फैलेगा, जो लड़ाई झगड़े होंगे, ऑलरेडी काफ़ी टेंशनबाजी चल रही है हमारे आपस में, तो ये कहाँ जाकर हमारा समाज रुकेगा? ये तो हिंदू समाज को तोड़ने के ऊपर इस पिक्चर को बनाया गया है। तो मैं मीडिया के माध्यम से शॉर्ट में ये बताना चाह रहा हूँ कि अनुभव सिन्हा जी को चेतावनी सीधे दिया जा रहा है कि आप इस फिल्म पर बैन कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि ब्राह्मणों का नाम पूरी तरीके से हटा दीजिए। आपको पिक्चर बनानी बनाइए, जिस जाति का दिखाना दिखाइए, ब्राह्मणों को हमको बख्श दीजिए, बहुत हो गया। 70 साल से ब्राह्मणों को कभी ठाकुर के साथ विलेन दिखाते हैं, कॉमेडियन दिखाते हैं, ढोंगी दिखाते हैं, बहुत बर्दाश्त हमने कर लिया, हमारी पीढ़ियों ने कर लिया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 48 घंटे का अल्टीमेटम मैं अनुभव सिन्हा जी को देता हूँ, उसके बाद हम उनके कार्यालय में घुस के क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। मूवी सर बिना रिलीज किए कैसे देख सकते हैं? आपको कैसे पता चला? बिल्कुल सही बात है, ये ट्रेलर जो इनका रिलीज हुआ है ना, वो ही पूरी कहानी कह रहा है। उस ट्रेलर में एक्चुअली क्या दिखाया जा रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आयुष्मान खुराना जो बना है वो भी ब्राह्मण है, और फिर डायरेक्टली उसमें दिखाया जा रहा है सर ये आप तो ब्राह्मण है, आप तो सर कान्य कुछ ब्राह्मण है, आप तो सर वो सरयू पाणी ब्राह्मण है, इस तरह का पूरा उसमें दिखाया गया। तभी तो हमको परेशानी हुई कि ये क्या दिखा रहे हैं, ये पिक्चर के नाम पर क्या परोस रहे हैं। नहीं देखिए, एक्चुअली पूरे इंडिया में, केवल मैं ही नहीं है, और पूरा ब्राह्मण समाज में आग लगा हुआ है ये। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मुंबई तक मैं आपके सहयोग के माध्यम से, मुझे लगा कि मैं आपके माध्यम से आवाज़ उठाऊंगा तो आगे तक आवाज़ जाएगी और उसका पॉजिटिव समाज में मैसेज जाएगा। अनुभव सिन्हा जी भी क्या पता इस चीज़ को फील कर लें। बाकी पूरे भारत में इसका विरोध है। जो ट्रेलर रिलीज हुआ है आप सोशल मीडिया पर देखिए, एकदम पूरा धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन, पुतला जलाना, ये सब ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। मैं तो करनी सेना इन पूरे ब्राह्मण समाज के साथ खड़ी है इस मामले में, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री द्वारा हमेशा हिंदुत्व को बदनाम किया गया है, और हिंदू लोगों को किस तरीके से, हिंदू और दलितों में किस तरीके से लड़ाई लगाई जाए और कैसे आपस में उनको भिड़ाया जाए, ये फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू होता है, चाहे वो मुस्लिम समाज और हिंदू में हो या फिर दलित समाज में हो। इस फिल्म में जो रियल कास्ट के जो अपराधी है उनको नहीं दिखाकर ब्राह्मण समाज, और पर्टिकुलर उस ट्रेलर में अगर आप देखेंगे तो उसमें ब्राह्मण नाम लिया गया है कि वो बलात्कारी कौन थे, कि ब्राह्मण कास्ट के थे, इस तरीके से नाम लिया गया, और इस तरीके से नाम वो डालकर ब्राह्मण और दलितों में आपस में कैसे लड़ाई लगाई जाए, इस तरीके का उसमें दिखाया गया, और इसका करणी सेना विरोध करती है। करणी सेना सभी ब्राह्मण संगठन और ब्राह्मण समाज के साथ खड़ी है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, ये जो भी डिसीजन लेंगे इस फिल्म के खिलाफ, चाहे वो कोई भी आंदोलन करना पड़े, उग्र आंदोलन करना पड़े, या थिएटरों में फिल्म न लगने दी, अगर ये डिसीजन भी ये लेते हैं तो करणी सेना पूर्ण तरीके से इनके साथ है, और कंधे से कंधा मिलाकर इस फिल्म को बैन करने के लिए पूरी ताकत लगाएगी करणी सेना। ऐसा ऐसा है सर, आज तक आप कभी रिकॉर्ड चेक करें, जरूरी नहीं सेंसर बोर्ड ने जो पिक्चर पास की है
वो सही हो। कई पिक्चरें रिलीज होने के बाद भी बैन हुई हैं, ये पहली, अगर ये पिक्चर बैन होती है तो ये पहली पिक्चर नहीं है कि बैन हो जाएगी। सर पिक्चर 28 तारीख को रिलीज हो रही है, कहाँ लड़ी जाएगी बताइए आप मेरे को। यहाँ छुट्टियाँ चल रही हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज साहब छुट्टी पे गए हुए। सर इस फिल्म के माध्यम से मैं ब्राह्मण हूँ, ज़्यादा उम्र मेरी नहीं है फिर भी बहुत ज्ञान मैं अपने समाज के बारे में रखता हूँ। इस पिक्चर के माध्यम से मैं ये पता लगा कि ब्राह्मण में भी ऊपर नीचे होता है, वो बाकायदा दिखा रहे हो उस ट्रेलर में। सर वो आइयो कि सर आप कौन से ब्राह्मण के साथ में सर पानी, आपसे साथ नीचे जाते के ब्राह्मण हो, आपसे ऊँचे पर तो मैथिली ब्राह्मण होते, ये सब उसमें है, आप देखिए यूट्यूब पर भी, आपके मोबाइल में भी आप देख सकते हैं। तो बाकायदा ब्राह्मणों का तो न केवल क्या बोलते हैं कि कपड़ा फाड़ा गया, बाकी बॉडी का भी पासपोर्टम कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया उसमें कि तू ये है, तू वो, तू ये, तू वो। बिल्कुल सर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बताइए हम थक चुके हैं। ये चेतावनी तो है ये। सर मैं इतना फेडअप हो गया हूँ कि मैं तो तेल डाल के खुद पे आग लगा सकता हूँ, क्या चेतावनी दूँ। मैं हेल्पलेस आदमी हूँ, मेरे पास तो मेरे को आप मीडिया है मेरे सपोर्ट में और कुछ भी नहीं है, मैं कोई इतना ताकतवर भी नहीं हूँ। ये करनी सेना हमारे साथ है, ये हमें इस बात पर गर्व है कि मुद्दे के आधारित इन्होंने, हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ है, तो इन्होंने कहा ठीक है हम आपके साथ हैं। ये मुंबई महासचिव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार, ये मुंबई महासचिव अशोक जी पांचाल, ये भी हमारे साथ हैं। हो सकता है वही आंदोलन वापस हो और इस फिल्म को बैन करनी पड़े, जिस तरह पद्मावत फिल्म 4 राज्यों में नहीं चली और उसमें जितने कट मारे गए आप सबको पता होगा उसमें कितने फिल्म कट किए गए, उसके बाद भी 4 राज्यों में फिल्म नहीं चली, तो ये फिल्म भी 4 राज्य और ज़्यादा राज्यों में ना चले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 6 लाइनें मैं आपसे कह रहा हूं, उसमें आप 6ठी लाइन मत पढ़िए, पहली लाइन मैं हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं कि इस फिल्म का जो कंटेंट जो आपत्तिजनक उसको आप हटा दें आराम से। क्या दिक्कत, आप फिल्म दिखाइए ना, हम भी जाएंगे देखने, क्या दिक्कत है, हम कहेंगे दूसरों का पिक्चर देखिए, ठीक है गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी कुछ टिका हुआ है, लेकिन आप किसी की बेइज्जत करके वो भी गलत तरीके से। मुलजिम अगर वाकई ब्राह्मण समाज से होते तो शायद आज हमें आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है दिखाइए आपकी दिक्कत है। 270 साल से एक नैरेटिव सेट किया हुआ है फिल्म इंडस्ट्री ने, सलीम भाई तो होंगे अच्छे कैरेक्टर में, ठाकुर होगा डाकू, उसके दो असिस्टेंट होंगे, एक वैश्य वर्ग जो बनी है जिसको कम्युनिटी बोलते हैं बिजनेसमैन, वो एक होगा और एक पंडित होगा। हम 70 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं भाई साहब, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर से लेके यहाँ तक हम आ गए, लेकिन अब तो क्या है सर वो 2-5 मिनट का कॉमेडी का खेल था हम भी भूल जाते थे, चलो ठीक है यार मजाक में सरदार जी का मजाक बना लिया, तो कोई सिख धर्म को मजाक उड़ाने के लिए थोड़ी है, वैसे ब्राह्मण भी नहीं है सर, वैसे बढ़िया भी नहीं है, वैसे राजपूत भी नहीं है, लेकिन अब तो इन्होंने पूरा हमारे कपड़े फाड़ के पोस्टमार्टम ही कर दिया। मीडिया को भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी का स्टेटमेंट था कि लड़कों से गलतियां हो जाया करती, जिसमें बहुत हंगामा मचा था, आप ही मीडिया थे, आप ही ये करवाने वाले थे, न्यूज में सभी जगह चला था, उसी घटना पे ये पिक्चर बनी हुई है, मूवी बनी हुई है, फिल्म आर्टिकल, जब आपने उसी घटना पे इस पिक्चर का निर्माण किया है तो सच्चाई दिखाइए ना, कहा माना जाता है यथार्थ में आइए ना, आप उस चीज को तोड़ मरोड़ क्यों कर रहे हो, आप उस चीज में मिर्च मसाला अपना क्यों डाल रहे हो, आप यथार्थ में दिखाइए, कोई समस्या नहीं, आप कहीं ना कहीं से तो मूवी की स्क्रिप्ट लेते हो, या तो सच्चाई पे हो या बिल्कुल ही सच्चाई पे नहीं, दो में से तो एक ही चीज हो सकती है, आप आधा सच्चाई ले रहे हो और आधा उसमें गलत दिखा रहे हो, ये गलत है। और सबसे बड़ी बात, आज हिंदुस्तान में आज उस मूवी को आपने जो ट्रेलर देखा है सभी ने देखा होगा, उसमें भगवा झंडे भी दिखा रहे हैं, उसमें मतलब धर्म को भी मिक्स कर रहे हैं आप, जातिवाद भी मिक्स कर रहे हो, तो आप क्या दिखाना चाहते हो हिंदुस्तान में, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक समाज का विकास चाहते हैं, तो उस चीज को आप क्या खंडित करना चाह रहे हैं, आप क्या दिखाना चाह रहे हो मूवी के माध्यम से, कोई प्रेरणा या कुछ ना कुछ मूवी के माध्यम से आप एक संदेश देना चाहते हो, तो उस मूवी से क्या संदेश जा रहा है ये तो क्लियर करेंगे अरुण सिन्हा जी, एक संदेश तो देंगे ना, वो तो संदेश क्या जा रहा है, वो तो हमारा रिश्ता है, आपस में लड़ाई झगड़े जा रहे हैं जो गलत है, हम लोग उसी चीज का प्रतिरोध कर रहे हैं, आप या तो सच्चाई दिखाइए या फिर बिल्कुल ही आप सच्चाई को हटा दीजिए, आप वैमनस्यता हिंदुस्तान में नहीं पैदा कर सकते ना, आज हम सब साथ रहते हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं, आप आपस में लड़वा दें, ये कहां का मूवी होगी। एक अगर हत्या भी इस पिक्चर को रिलीज के जो रिएक्शन में हो गई तो उसका कौन जिम्मेदार है, एक हत्या भी होगी समझिए, पूरे हिंदुस्तान में 125 करोड़ है, 125 करोड़ दिमाग है, कहीं कोई रिएक्शन होता है। और रही आपने सेंसर बोर्ड की बात उठाई, सेंसर बोर्ड ने गांधी पिक्चर को बैन कर दिया है, सबको पता होगा क्यों नहीं बैन किया, इसको बैन किया तो इसको भी लाओ ना, दिखाओ ना पिक्चर, दिखाइए इस पिक्चर को, और इसमें आप अपनी चीजों को तो बैन कर देते हो और दूसरी चीजों को आप उठा के परोस देते हो, नहीं साहब आप यथार्थ पे चलिए, अगर आप बदायूं की घटना आप सारी चीजें बदायूं की दिखा रहे हो तो आप सच्चाई दिखाइए, कोई मनाही नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी का स्टेटमेंट भी दिखाइए कि उस समय तत्कालीन पदाधिकारी आपके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र जी थे, आप क्यों छुपा के, फिर उसमें आप घटना में और डिटेल में जाइए, पुलिस कहती है कि वो सारी चीजें सीबीआई मना करती है, पुलिस ये कहती है, तो सारी घटना वो बड़ा ट्विस्टिंग है, आप यथार्थ पे तो पिक्चर ही नहीं बना रहे हो, आप चला के मूवी मसाला बना रहे हो,
उस केस में बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, सीबीआई के रेप नहीं हुआ, डॉक्टर कहती है जिसने पोस्टमार्टम के लिए मैंने आज तक जिन्हें पोस्टमार्टम भी नहीं किया। इस पिक्चर में मेरे को याद है एक उनको कहते हैं साहब वो दलित वर्ग के जो पीढ़ी तक के था हम तो जाते हैं, आपने फिर उनका नाम ले दिया या ब्राह्मणों का नाम ले दिया। एक आपने आदमी को जो शेड में दिखाया वो नीला उसमें वो ड्रेसअप दिखा, अब नीला आप जानते हैं हिंदुस्तान में किसका परिचय है आजकल। आपने टोटल मसाला डालने के लिए कि आदमी कोई लड़ता है लड़े मरता है मरे, अपने को तो इस चीज को बना के दो पैसे कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। सर इंसान छठी लाइन पे चली जाएगी वो कोई जरूरी नहीं की जाए, मैं मेरे पे भी तेल डाल के आग लगा सकता हूँ तो वो इंसान थोड़ी है। मैं आप क्या कर लेंगे बंद कमरे में कर लूंगा, तो क्योंकि मैं हताश हो चुका हूँ, मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, हम बहुत शक्ति है ना हमारे पे, हिम्मत नहीं किसी के जाके तोड़फोड़ करते हैं, लेकिन कहने का कुछ भी हो सकता है। जब आदमी खुद मर सकता है दूसरे वाले को मार सकता है। कहने का मतलब ये है कि मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि इसमें आपत्तिजनक कंटेंट डाल दिया, आप उस पर फोकस कीजिए सर। बिल्कुल उनके जानकारी में हम उनसे टेलीफोनिक में हम बात कर रहे हैं, हमने रजिस्टर्ड हमने लेटर भी उनको 15-20 दिन पहले लिखा, उसका कोई जवाब हमें नहीं मिला अभी तक। लेटर का जवाब अभी तक नहीं आया इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। बिल्कुल सर पूरा ये प्रेस रोड जो हमने बना रखा है लेटर तो भी तीन पर हमने दिया। फोन करेंगे वो कहेंगे जब पुलिस स्टेशन जाएंगे सर हमारे कंडीशनर की तरफ से धमकी आ रही है, ब्राह्मण महासभा से धमकी आ रही है। तो हमने उनको हमारे मेल भी किया, हमने लेटर पेड भी उनको दिया है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। बार बार पद्मावत फिल्म के अंदर आपने लोगों ने सबने देखा है कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, मणिकर्णिका फिल्म आई थी उसका भी आंदोलन हुआ था, हम रुक गए चलो जो भी है किया छठपय हो गए। अभी आए दिन नई नई फिल्में आती है तो हम इस चीज से पूरा वाकिफ हो चुके हैं कि फिल्म इंडस्ट्री हमारे हिंदुत्व को बदनाम करने में लगी हुई है। मोदी लहर चलती है वैसी फिल्मों की एक लहर चल रही है कि हिंदुत्व को आप बदनाम कीजिए। इसलिए 48 घंटे का हमने और श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना और ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से और सर्व समाज की तरफ से आसान खबर है ना बदनाम हो रहा है। देखो आप जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा रहे हैं, एक मेघवाल समाज को राजपूत से लड़ा रहे हैं, ब्राह्मण को दलित समाज से लड़ा रहे हैं, ये फिल्मों के माध्यम से तो हो रहा है ना। आज आप रीडिंग कर लेके पढ़ोगे तो आपके दिमाग में नहीं जाएगा, लेकिन आप देखोगे तो आपकी पूरी पिक्चर वो दिमाग में चली जाएगी। आप बच्चे देख रहे हैं घर पे है, एक पिक्चर के अंदर आप पुराने पिक्चर आप देखते हैं वहां ठाकुर साहब को दिखाई देते साहब बलात्कार कर रहे हैं। आज तक किसी इतिहास के अंदर ठाकुर साहब ने बलात्कार किया क्या बता दीजिए। मैं राजपूत समाज से हूँ, हमारी पूज्य ठाकुर रह चुके हैं, ठाकुर के बेटे कौर साहब होते हैं वो कॉलेज के अंदर जाते हैं लड़की को छेड़ते हैं कि ये हमारे संस्कार है क्या, आप फिल्म के माध्यम से दिखा देते हैं। तो उनको 48 घंटे का हमने चेतावनी दी है कि 48 घंटे के अंदर अंदर हमें लिख के दे कि यस भैया ये पिक्चर में ऐसा हमने कुछ नहीं करा, टेलर हमने जो भी किया हमारी गलतियों की माफीनामा मांगे, नहीं तो जो भी होगा वो देखने लायक नहीं होगा, कितना बड़ा आंदोलन होगा हम सोच भी नहीं सकते। हमारे युवा भरे बैठे हैं बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टली अनुभव सिन्हा और इसका जो एक्टर है आयुष्मान खुराना राजस्थान के अंदर भूल भरोसे तो आना ही मत, राजस्थान में तो आप आना ही मत। अगर इस फिल्म के लिए अगर 48 घंटे के अंदर अंदर आप कुछ भी नहीं लिख के देते कुछ भी नहीं करते हो तो वो जो होगा 27 तारीख को 28 तारीख क्या होगा वो आपके सामने पता है क्या होगा, देख लीजिए। तो देखते हैं बात कराते हैं सर से डायरेक्ट, अनुभव जी ने बात ही नहीं करी मेरे, हमारे कॉन्टेक्ट से आके हमने काफी कोशिश किया, फिर हमने मेल किया लेटर उनको 15 दिन पहले दिया उसका कोई जवाब अभी तक आया नहीं, और अभी फिर आपके माध्यम से दे दिए, शायद हो सकता है ये न्यूज उनको पता पड़ जाए। जब तक नहीं देख लेंगे ना आपके वो घूमते फिरते मीडिया उनके पीछे रहती है, आप लोग सब जाते हैं तो आप उनको बोलिए भैया जब करनी सेना जो ब्राह्मण महासभा सर एक फिल्म आई थी हम आपकी बात का जवाब, एक फिल्म आई थी अजय देवगन की रिसेंट दृश्यम, मोटो फिल्म का यही था कि फिल्म के माध्यम से अपन कुछ भी कर सकते, मतलब उसने एक मर्डर किया आईजी का बच्चे का मर्डर करके उस थाने में उसको गाड़ दिया और लास्ट में पिक्चर में बरी हो गया। केवल एक ही सिद्धांत था उस मूवी का कि वो पिक्चर के माध्यम से उसने हर चीज सेट की और बच गया। एक हिंदी मीडियम मीडिया ये फिल्म इंडस्ट्री दिखाती है कि फिल्म के माध्यम से आप तरकीबें ले लेके मसाला इकट्ठा कर करके, क्योंकि केबल ऑपरेटर था वो, रात की अजय देवगन की ड्यूटी थी, वो दिन में 3-4 पिक्चर रात भर में देख लेता था, तो उसके माध्यम से उसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बेवकूफ बनाया, एक मर्डर किया और साफ बच के निकल गया। ये मैसेज दें हम, कोई मामला ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बना के जनता को दिखाएगी और आप मनोरंजन के उद्देश्य से आप चले गए और आपने मनोरंजन के उद्देश्य से फिल्म देख के आप भूल गए, लेकिन कोई आदमी, मैंने पहले भी निवेदन किया अभी थोड़ी देर पहले कि 125 दिमाग है, कोई एक दिमाग घूम गया और एक मर्डर हो गया। अभी एक केस हुआ कि साहब पाकिस्तान की जीत पे एक जश्न मना रहा था तो उसको हाथ पैर काट के चारपाई समेत जला के मार दिया उसको, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान जीता उसका जश्न मना रहा था वो, तो ऐसे दिमागों का आप क्या कीजिएगा, कौन जिम्मेदार है। Thanks for watching Indian Eyes 24 News. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.